हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों यह है ड्रेन फ्लाई जो कि साइज में 2 mm से लेके 4 mm के बीच में होती हैं और ये आपके घर के अंदर जो बाथरूम के ड्रेन्स होते हैं और किचन का जो सिंक एरिया होता है उसके आसपास की दीवारों पे और ड्रेन्स एरिया के आसपास में ये नजर आते हैं। और जैसे ही आप इनके ऊपर किसी भी पेस्टिसाइड का स्प्रे करेंगे एडल्ट ड्रेन फ्लाई ऑन द स्पॉट मर जाती हैं, लेकिन आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद या शाम तक ही आपके घर में दोबारा नजर आनी शुरू हो जाती हैं। इसका रीजन क्या है दोस्तों? इसका रीजन यह है कि ये लगातार ग्रो कर रही होती हैं आपके ड्रेन्स के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर पड़ा होता है, यानी जो गंदगी पड़ी होती है वहां पे आपकी डेड स्किन भी ऑर्गेनिक मैटर हो सकती है और जो हमने रात खाना खाया है या दिन में खाना खाया है या सब्जियों के जो पार्टिकल्स वगैरह होते हैं जो ड्रेन्स के अंदर चले जाते हैं उसको खाकर ये ग्रो करती हैं, जिसकी वजह से ये स्प्रे करने के बाद भी खत्म नहीं होती है और बार बार आपको अपने घर के अंदर नजर आती हैं। तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है और कैसे आप इससे छुटकारा पा सकते हैं, वही सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसलिए आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन बटन जरूर दबाएं जिससे कि आपको इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे। और दोस्तों मेरे चैनल पर आपको घर के अंदर जितनी पेस्ट होते हैं, मच्छर मक्खी कॉकरोच टर्माइट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है जो आपके काम की है, इसलिए ये चैनल आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, तो इसे जरूर सब्सक्राइब करिए। और चलिए अब मैं आपको बताता हूं आप ड्रेन फ्लाई से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ड्रेन फ्लाई से छुटकारा पाने के लिए आपको 2 स्टेप में काम करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जितने भी पेस्ट हमारे घर के अंदर पैदा होते हैं वो हाइजीन ना होने की वजह से होते हैं। ऐसी ड्रेन फ्लाई उनमें से एक है जो प्रॉपर क्लीन ना होने की वजह से आपके ड्रेन्स के अंदर और सिंक एरिया में पाई जाती है। तो बहुत जरूरी है दोस्तों आपके ड्रेन्स क्लीन रहने, और उनको क्लीन करने का सबसे अच्छा तरीका है ड्रेन क्लीनर। आप कोई भी मार्केट से ड्रेन क्लीनर ले आइए। इसके अलावा मैंने भी बहुत सारे ड्रेन क्लीनर के लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, अमेजोन से आपको मिल जाएंगे, वहां से जाके भी आप इनको परचेज कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपको लगातार 4 से 5 दिन प्रॉपर तरीके से अपने ड्रेन्स क्लीन करने पड़ेंगे, क्योंकि एक दिन में तो क्लीन नहीं होंगे, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है ड्रेन्स के अंदर साफ करने में, इसलिए अच्छे से क्लीन करना जरूरी है। एक तो आपको ये स्टेप करना जरूरी है, उसके बाद हर 7 दिन आपको ऐसे ही क्लीन करते रहना है जब तक भी गर्मी है, क्योंकि मोस्टली गर्मी के टाइम पे ही आपको ये नजर आएंगी। एक स्टेप तो आपको ये करना है। और जो एडल्ट्स ड्रेन फ्लाई हैं उनको खत्म करने के लिए आपको या तो आइकॉन 10 CS या आइकॉन WP या फिर आप जो है टेम्परेड SC, इनमें से कोई भी केमिकल ले सकते हैं जिनके लिंक मैंने वीडियो के नीचे दिए हैं, अमेजोन से जाके इनको परचेस कर सकते हैं। आप इनमें से जो भी केमिकल खरीद रहे हैं, मान के चलिए आपने आइकॉन 10 CS लिया है, तो इसको आप 15 से 20 ml 1 लीटर पानी के अंदर मिक्स कर लीजिए और कोलिन की बोतल में भर के या कोई स्प्रेयर आपके पास है तो उसके अंदर डाल लीजिए, और आपके बाथरूम की जो दीवार है जहां पे बैठते हैं या सिंक का एरिया या ड्रेन्स है उनके अंदर इसका अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से स्प्रे कर दीजिए। तो ऑन द स्पॉट जो एडल्ट ड्रेन फ्लाई है ऑन द स्पॉट मिल जाएंगी, जिसकी वजह से उनको टाइम नहीं मिलेगा दोबारा से अंडे देने का, ठीक है। तो एडल्ट के लिए इस स्प्रे होना जरूरी है और हर 15 दिन में इसका स्प्रे आप करते रहिए। इसके साथ ही जो इनके लार्वे हैं जो कि आपके ड्रेन्स के अंदर हैं, उन लार्वों को खत्म करने के लिए रात के टाइम में जब आप पानी ना चलाएं उस टाइम में बाई लार्व करके एक पेस्टिसाइड आता है जो कि खासकर लार्वों को खत्म करने के लिए हो, चाहे वो फ्लाई का हो चाहे मॉस्किटो हो किसी भी तरह का लार्वा हो, उसको खत्म करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है और ये बायर कंपनी बनाती है बाई लार्व। ये आपको अमेजोन से मिल जाएगा और इसका लिंक भी मैंने वीडियो के अंदर दे दिया है, इसको आप जो है अमेजोन से खरीद लीजिए और केवल 4 ग्राम 1 लीटर पानी के अंदर मिक्स कर लीजिए और अपने ड्रेन्स के अंदर इसको भी अच्छी तरीके से रात को डाल दीजिए और मेक श्योर कि रात को दोबारा से इस चीज को कोई ड्रेन्स के आसपास कोई पानी ना डाले जिससे कि ये जल्दी से वॉश आउट ना हो। तो दोस्तों ये स्टेप है जिसके थ्रू आप ड्रेन फ्लाई से परमानेंट छुटकारा पा सकते हैं, वरना तो और कोई तरीका नहीं है। तो अब आपको क्या क्या ध्यान रखना है, 1, ड्रेन्स को अच्छी तरीके से क्लीन करना है 4-5 दिन और फिर हफ्ते में एक बार जरूर क्लीन करें, हर 15 दिन में एक बार जो है आइकॉन 10 CS या टेम्परेड का स्प्रे करते रहें आसपास की दीवारों पर ड्रेन्स में, और बाई लार्व जो पेस्टिसाइड है उसका इस्तेमाल भी जरूर करें हर 15 दिन में लार्वा को मारने के लिए, ठीक है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।